है। देश की नामी चाय पत्ती मोहिनी चाय के मालिक परिवार में संग्राम छिड़ गया है। कंपनी के डायरेक्टर दिनेश चंद्र अग्रवाल ने अपने बड़े भाई और कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर रमेश चंद्र अग्रवाल पर 2.40 करोड़ रुपए के फ्रॉड का आरोप लगाया है। इस मामले में दिनेश चंद्र अग्रवाल ने बड़े भाई रमेश अग्रवाल, भाभी अमिता अग्रवाल, भतीजा हर्षित अग्रवाल, बहू पूजा अग्रवाल समेत 2 अन्य लोगों पर कानपुर कोतवाली में धोखाधड़ी की FIR दर्ज करवाई। यस बैंक के अफसरों पर भी इस धोखाधड़ी में शामिल होने का आरोप लगा है। मोहिनी देश के टॉप 10 चाय ब्रांड्स में एक है। मोहिनी चाय बनाने वाली कंपनी मोहिनी टी लिव्स प्राइवेट लिमिटेड के MD रमेश चंद्र अग्रवाल हैं। उनके भाई दिनेश चंद्र अग्रवाल और सुरेश चंद्र अग्रवाल कंपनी में निदेशक हैं। आरोप है कि एक निदेशक ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सूचना दिए बगैर 2.40 करोड़ रुपए लोन लिया और बैंक से साठगांठ कर निजी खाते में रकम को ट्रांसफर करवा लिया। पिछले कुछ समय से चला आ रहा विवाद रविवार को पुलिस तक पहुंच गया। इसमें MD की पत्नी, बेटा, बहू के साथ एमर्जिंग लोकल कॉरपोरेट की वाइस प्रेसिडेंट प्रिया वर्मा और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जावेद खान को भी आरोपित बनाया गया है। मूल रूप से हरियाणा के निवासी स्वर्गीय किशोरीलाल अग्रवाल करीब 100 साल पहले कानपुर आए थे। 1980 में केशव प्रसाद ने कैनाल रोड पर खोली चाय बेचने की दुकान, शुरुआत यहीं से की थी। भाजपा